हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। सो आप में से कुछ ऑडियंस ने कहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीड करने के लिए। सो आपने बोला है तो आपको पता है कि आप और आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें चाहते हैं, उन दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू है। बट फिर भी फ्रॉम माय एंड मैं इस बात को यहाँ देखना चाहूँगा कार्ड्स की हेल्प से कि इज़ देयर एनी डिस्टर्बेंस बिटवीन यू बोथ। क्या आप दोनों में कोई डिस्टरबेंस है, हाँ या ना? द वे यू आर थिंकिंग, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, तो उस तरह से क्या आप दोनों के बीच कोई डिस्टरबेंस है? डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। 3 नंबर भी यहाँ पर है, तो लेट्स सी, देखते हैं। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ इक्वलाइज नहीं किया है चीज़ों को, गिव एंड टेक बराबर नहीं हुआ है। आपके लिए ड्रीम भी करते हैं ये पर्सन, हार्डवर्क भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बैक स्टेप, कुछ धोखेबाजी, कुछ चीटिंग इस तरह की गई है कि यू आर इन पेन, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आई थिंक आपके इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। तो 3 ऑफ वेंट्स से पता लग रहा है राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, और राइट मोमेंट का वेट कोई क्यों कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज सम डिस्टर्बेंस, कुछ तो डिस्टर्बेंस है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इट ऑल्सो शोज़ कि कुछ डिस्टर्बेंस है। अभी इस पर्सन को हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स डिस्टर्बेंस है। तो 10 ऑफ स्पेड्स काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, बैक स्टेप को शो करता है, तो डिस्टर्बेंस तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन के बीच है। अब आप अपने पर्सन पर फोकस करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट मी टेक सम कार्ड्स आउट। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचें ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ आ सकें। देन लेट्स सी कि क्या आपके ये पर्सन आगे करने जा रहे हैं बीइंग इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर ये पर्सन क्या करने जा रहे हैं, लेट्स बिगिन। सो ये कार्ड बता रहा है फर्स्ट आपके पर्सन किस हाल में है। सैड है आपके बिना डेफिनेटली। ये कार्ड बताएगा क्या वो चीज़ है जो इन्हें ऑब्स्टेकल बनी हुई है, मुश्किल बनी हुई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई ऐसे पर्सन तो हैं इनकी लाइफ में, स्पेशली सम लेडी फिगर, 33 से लेकर 40 की एज तक मैं कहूँगा, जो कि इन्हें डोमिनेट कर रही हैं, इन पर शासन कर रही हैं, इन पर अपनी चला रही हैं। मदर फिगर, सिस्टर फिगर कोई भी हो सकते हैं, बट देर इज समवन, कोई है जो इन्हें डोमिनेट कर रहा है। ये कार्ड बताएगा कि ये पर्सन आपका डीप इंसाइट क्या सोचते हैं। यही सोचते हैं कि हाउ टू गेट ऑन, कैसे आपके साथ गेट ऑन किया जाए, क्योंकि दो ट्रैक पर हैं, क्रॉस रोड पर हैं, डिसीजन लेना भी चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं। ये कार्ड इनके साथ पास्ट में जो हुआ है आपके पर्सन के साथ वो बता रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स, तो काफ़ी फायरी एनर्जी आप दोनों के बीच रही है। फायरी एनर्जी इन सेंस आप दोनों के बीच में एक लविंग बॉन्ड भी रहा है, और चीज़ें बहुत साफ कम्युनिकेशन आप दोनों का रहा है। आप दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकती है। पास्ट आपका डेफिनेटली अच्छा रहा है। इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि मैं किस राह पर चलूं, और कॉन्शियसली जो ये पर्सन कर रहे हैं वो ये है, 3 ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इश्यूज तो नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स, फ़िलहाल ये जिस कम्युनिटी में हैं, जिस भी कंपनी में हैं, कंपनी मतलब साथ, जिनके भी साथ हैं, बस वहीं स्टक हैं, वहीं पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कार्ड बताएगा इमीडिएट फ्यूचर इस पर्सन का क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, झगड़ा होने वाला है,
और प्रोबेबिलिटी है द वन हु इज़ कंट्रोलिंग हिम, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन को, उन्हीं के साथ इसका कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला है। ये दो कार्ड यहाँ से उनकी सरकमस्टेंस बताएंगे आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर हेड ऑफ़ द फैमिली से डोमिनेंट किए जा रहे हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो हैं वो बार बार आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने डार्कनेस से निकलना अब शुरू किया है। लास्ट के दो कार्ड आउटकम बताएंगे आपके पर्सन की इन सिचुएशंस का क्या परिणाम निकलेगा। पेनफुल सिचुएशन तो है इस पर्सन की, बट एट ऑफ वेंट्स आपसे जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो ये चल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये पर्सन कि कुछ लाइफ में आए, डेफिनेटली चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको लेकर के ये सोच रहे हैं। सो एक्शन समय पता लग गए हैं इनके कि क्या होने जा रहे हैं नेक्स्ट। लेट्स सी क्या फील करते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। सो आप अपने पर्सन पर प्लीज़ फोकस करें, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए इंटरनली, लव वाइब्स क्या रखते हैं आपके लिए, आपको किस तरह से देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आया था, सिक्स ऑफ डायमंड्स, तो आपके साथ चीज़ें इक्वल करना चाहते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड है 20, जजमेंट, जजमेंट आपको देना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है इस पर्सन की। जस्टिस वर्ड लीगल एक्शंस को शो करता है और जजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, ये इनकी ईमानदारी को शो कर रहा है। ये पर्सन अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करके चीज़ों को हिसाब किताब करना चाहते हैं, आपसे बैलेंस में लाना चाहते हैं, और फिर आपके लिए जजमेंट करने का फीलिंग रखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है, तो अभी फ़िलहाल डोमिनेंट हैं किसी से, बट द वर्ल्ड आपके साथ जर्नी करना चाहते हैं लाइफ की। सो ये इनकी वर्तमान हालत है, ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। ये चीज़ों को बैलेंस में लाएंगे, आपके साथ जजमेंट करेंगे, जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है उससे फ्री होकर के फिर आपके साथ ये आएंगे। यहाँ एक बात और इस मैसेज से निकलती है कि फ़िलहाल ये अपनी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे ऐसे में। एंजल्स प्लीज़ गिव अ गाइडेंस टू द ऑडियंस, एंजल्स प्लीज़ गिव अ गाइडेंस टू द ऑडियंस। तो एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए, थिंग्स विल बी फाइन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट करें, अबेंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सो गाइज दिस इज़ द सिचुएशन, थैंक यू वेरी मच।